विकास प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए अधिकृत की गई जमीन की पुनः वापसी के लिए किसान सेना लगातार आंदोलन कर रही है। युवा किसान सेना के बैनर तले मंगलवार को इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय पर युवा किसान सेना ने भूख हड़ताल आंदोलन किया। इन लोगों का कहना है कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने योजना क्रमांक 165 सहित अन्य योजनाओं के लिए किसानों की जमीन अधिकृत कर ली है, लेकिन उन योजनाओं पर काम नहीं किया गया, न ही किसानों को उचित मुआवजा दिया गया है। किसानों ने अपनी जमीन वापस लेने के लिए 12 सितंबर को ज्ञापन दिया था, लेकिन इसके बावजूद प्राधिकरण की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर युवा किसान सेना के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए। मैं रविंद्र चौधरी, युवा किसान सेना अध्यक्ष, और हम सब बाकी युवा किसान सैनिक और पूरे किसान साथी आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें हमारी मांगे पूर्व में भी 12 जुलाई को हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया था, और जिसमें हमारी मांगे थी कि आईडिया की जो भी भिन्न भिन्न योजनाएं हैं, जिसमें 165, 169A, 169B, 171, 172, 175, और मुख्य रूप से ISBT जो स्कीम है, उसमें धोखाधड़ी, छल कपट पूर्वक, जालसाजी पूर्वक इनने हमसे हमारी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली और हमको फर्जी आवंटन पत्र दिए, जिस जमीन का आज तक इनके पास मालिकाना हक नहीं है, उसकी जानकारी भी इन्होंने नहीं दी, हमने RTI के माध्यम से निकाली है। तो आज हम सब लोग इसलिए बैठे हैं कि दूध का दूध और दूध पानी का पानी कर देते हैं। हम किसान भी यही हैं, लालवानी जी भी यही हैं, उनको भी हमने बोला कि आप आ जाओ, और जो कुमार पुरुषोत्तम जी हैं IDA के जो CEO है, उनको भी हमने बोला है, और नरवड़िया जी जो हमारे इंदौर कलेक्टर है, उनसे भी हमारे अनुरोध है कि आप भी आ जाओ साहब, अगर हम अपराधी हैं तो आप हमको जेल में डाल दो, और अगर हम सही है तो चलो, हमारी विनती है कि इन लोगों से आपको हमारी जमीन दे दो। किसान सेना से जुड़े किसानों का आरोप है कि पिछले 11 सालों से वे परेशान हो रहे हैं।